नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम टेक्नो संजय। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले जियो फोन के अंदर अपना कॉन्टैक्ट सिम में कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो सारा कुछ बताने इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब, लाइक, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिए। चलिए बताता हूँ कि कैसे आप इंपोर्ट करते हैं अपनी सिम के अंदर सारे के सारे कॉन्टैक्ट। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जियो फोन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो देखने को यहाँ पे मिल जाती। सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो सिंपली दोस्तों, आपको करने क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ कि आप अपने जियो फोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट में अपना जो कॉन्टैक्ट है वो सिम में कैसे करेंगे। तो चलिए बताता हूँ, सिंपल से आपको एक नंबर चूज़ कर लेना, कोई भी नंबर जो कि आपको जो सेव करना है, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद नाम लिखने के बाद ही फिर आपको यहाँ पे पता चल पाए। तो नाम को अच्छे से आपको लिखना है, जैसे जैसे आपको नाम लिखना वैसे वैसे आपको सिंपली सारा का सारा प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं संजू मिश्रा मेरा नाम है और संजू मिश्रा अच्छे से टाइप करता हूँ। यहाँ जो मेरी स्पेलिंग्स है और जो मेरी नाम की स्पेलिंग्स है और जो मेरा टाइटल, वो सारा का सारा कुछ अच्छा से लिखूंगा। और लिखने के बाद ही फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे अपने सिम के अंदर अपने कॉन्टैक्ट को सेव कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे कि जियो फोन के अंदर सिम में कॉन्टैक्ट नहीं सेव होता। तो आज मैं इसी के बारे में हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, वो जियो फोन के अंदर आप अपने सिम में कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बताने वाले इस वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो तीनों चारों काम कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जियो फोन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहो, यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। और सेव होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ अपने कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट में आने के बाद फिर इस तरह देख पा रहे हैं बहुत सारे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं और कॉन्टैक्ट मैंने हाइड नहीं करे, आपको सिंपली यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे डिलीट कॉन्टैक्ट, इसमें एडिट कॉल, इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से जो कॉन्टैक्ट आपको सिम के अंदर इंपोर्ट करना है वो चीज़ आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आप लिखा हुआ सेटिंग, सेटिंग्स में आपको इस पर प्रेस कर देना और यहाँ पे आप आएंगे, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, स्पीड डायल और इस तरह के ICE कॉन्टैक्ट, इस तरह सारे सेलेक्ट करना हो, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या हो, चलिए बताते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट जो लिखा है इसी पर आपको क्लिक कर देना और सिम कार्ड पर आपको कर देना है क्लिक। आप जैसे सिम कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको फिर से सिंपली करना है, अगर नहीं हो रहा एक बार में तो फिर से आपको करना है, ठीक है। अच्छे से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, आपके सिम में सारे के सारे कॉन्टैक्ट वो इंपोर्ट हो जाएंगे और आसानी से यहाँ देख पा रहे हो एक्सपोर्ट हो रहा है मेरा जो है कॉन्टैक्ट, ठीक। तो इस तरह का आपको अपने सिम में कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कर देना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर वीडियोज भी आपके वाइफ की अच्छी लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन से थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को लाइक कमेंट साथ ही शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू सो मच।